नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं माई फंडामेंटल। तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि हमने एक्सपीलियो सॉल्यूशन रेकमेंड किया था, उसने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए, और इसी तरह हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो आपको गजब का रिटर्न कमा के दे सकता है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप कंपनी है, 300-350 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और बिजनेस जो है वो बहुत ही शानदार है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, ग्रो करता ही रहेगा, और जिस वैल्यूएशन और जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस इन्वेस्टर ने भी इस स्टॉक में बाइंग की है, ये आप अपने थंबनेल पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और कंपनी का नाम देख लिया है तो यहां पे छोड़ के मत चले जाना। ऐसी ऐसी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और शायद ही आपको किसी वेबसाइट स्क्रीनर पे मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड, और कंपनी का जो धंधा है वो है दोस्तों कॉन्डम्स का, और ये जो कॉन्डम्स बनाते हैं वो मेल फीमेल दोनों के बनाते हैं, वाटर वेस्ट लुब्रिकेंट ये बनाते हैं। और इनका जो बिजनेस है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं, और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कंपनी की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी, और अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं तो बीएसई पे हो गई थी इसकी 1995 में, और अगर मैं बात करूं इसकी एनएससी पे तो 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई है। स्टॉक की सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, तो कंसोलिडेशन जितना ज्यादा होता है उतना ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है। राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो ओवर 480 मिलियन पीसेस जो है वो इनके पास कैपेसिटी है। अराउंड अगर मैं इसको करोड़ में कैलकुलेट करूं तो 48 करोड़, और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो लगभग 5.2 करोड़, अगर आप मिलियंस में देखते हैं तो दोस्तों 52 मिलियन, और अगर मैं बात करूं वाटर वेस्ट लुब्रिकेंट्स की तो पर एनम जो इनका बिजनेस है वो आप यहां पे प्रोडक्शन है यहां पे देख सकते हैं लगभग 210 मिलियन। अगर आप यहां पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी जो है वो नियर नासिक है, और अगर आप देखेंगे अबाउट 200 किलोमीटर के आसपास है। ये तो बात हो गई इनके बिजनेस की और इनके प्रोडक्शन की, अभी बात कर लेते हैं इनके सबसे बड़ी अचीवमेंट की। ये जो है वो दोस्तों पहली कंपनी है जिसने प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस लिया है WHO UNAFPA से, जो कि बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। तो यहां पे ये आपने बिजनेस देख लिया है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम कि क्यों हमें इस बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए। यहां पे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की, और स्ट्रेंथ्स के बाद हम डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे, और लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इनके कंपनी के स्ट्रेंथ की, तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कंपनी विद गुड बिजनेस। बिजनेस जो है वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, और ऐसा बिजनेस है आप भी जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ये तो है नहीं कि आप इसको छोड़ने वाले हो। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा, मैंने आपको बिजनेस का बता दिया है। तो बिजनेस का जब मैंने आपको बता दिया है तो आपको पता है कि ये बिजनेस ऐसा है जो कि बंद नहीं हो सकता, और जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो मार्केट शेयर है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इवन जो इनका मार्केट शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है, इवन अगर आप इनकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तब भी ये आपको ऊपर देखेंगे, अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे ये आपको आगे देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो सप्लाई है वो ओवर द वर्ल्ड है, ये नहीं है कि खाली इंडिया में करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। इवन गवर्नमेंट इनको सप्लाई करती है, जस्ट बिकॉज कि इनका बिजनेस ऐसा है तो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, हर एक चीज के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है कि ताकि लोगों में स्थिरता रहे। और अगर एक और चीज बताऊं, इनका जो आरओई है वो बहुत ही बढ़िया है, 30.18 पे है ओवर थ्री इयर्स, और अगर आप आरओसी देखेंगे तो वो भी आपको कंसिस्टेंट दिखाई देगा। अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो दोस्तों अगर कोई कंपनी आप देखते हैं जिनकी मार्केट कैप 300-400 करोड़ है, इवन आप 1000 करोड़ के आसपास की भी मार्केट कैप वाली कंपनी देखेंगे तो उनका डेट काफी ज्यादा होता है, तो इसका डेट लगभग 30-35 करोड़ के आसपास है, और डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं
3.30 है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो काफी ज्यादा कम है। मार्केट शेयर धड़ल्ले से बढ़ रहा है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे कंपनी की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा दिखाई देगी। अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो कंसिस्टेंट है कंपनी, ये नहीं है कि कभी लॉस में आ गई कभी प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि इस तरह की कंपनियों में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। कभी कंपनी लॉस में आ जाती है कभी कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, बट इस कंपनी में बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो यहां पे हम बात करेंगे अब एक कंपनी की कि कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो कैसी है। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो 17 से लेके 20 तक का डाटा जो है वो अवेलेबल है। पर ईयर आप देख सकते हैं कंपनी काफी बढ़िया ग्रो कर रही है। एक चीज यहां पे मैं आपको देखूंगा कि आपने यहां पे देखा होगा कि 83 करोड़ का जब कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया वहीं पे इसने 33 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर 2018 में, तो यहां पे आपको 80 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू दिखाई दे रहा है और 27 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और अगर आप मार्च 19 में देखेंगे तो जो रेवेन्यू है वो 85 करोड़ है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20 करोड़ है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ता जा रहा है, इस कारण से आपको जो प्रॉफिट है वो एज कंपेयर टू 2017 कम दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपको ज्यादा डाउट में आने की जरूरत नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जो हवा आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, कंपनी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट आपको दिखाई दे रही है। मार्च 19 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप ज्यादा डाउट में मत रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की कि कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए, क्या रीजन होना चाहिए। पहला तो सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी फॉर एवर ग्रीन बिजनेस के साथ आती है जो कि कंपनी को डुबा नहीं सकता है। इस तरह का बिजनेस है जो कि चलेगा ही चलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा क्या रीजन है, तो कंपनी जो है वो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहां पे एक स्मॉल कैप कंपनी में इतना पोटेंशियल और स्टॉक प्राइस जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 5 साल में, तो ये कंपनी को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना है। जब भी भागेगा तो धमाका करेगा और यहां पे आपको गिरने के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी लेटेस्ट जो चीज इसमें आई है कि कंपनी में जो एस इन्वेस्टर हैं पोरन जी विजयनाथ बलिजियात, वो इसमें अपनी होल्डिंग रखते हैं। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट वो लगभग 1% होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में। तो ये चीजें जो है वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं इस कंपनी के तरफ। हालांकि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि उन्होंने स्टेक बाय किया है तो मैं भी बाय कर लेता हूं, बट काफी बड़ा एक एडवांटेज आपके सामने रहता है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एक समय पे जो बड़े प्लेयर्स थे FIIs थे वो निकल गए थे, और राइट नाउ अगर आप जून 2021 की होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 0.26% की होल्डिंग जो है वो अपने पास रखे हुए हैं। जीरो से फिर से ये वापिस आए हैं 0.26, तो यानी कि इस कंपनी को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और रीजनेबल है, आप इस स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हैं। पिछली बार भी हमने फर्स्ट सॉल्यूशन दिया था जिसमें 45 का राउंड और उससे धमाका होके वहां से पैसा डबल क्या हुआ ट्रिपल हो गया, और वहीं पे एक्सपीलियो सॉल्यूशन हमने 400 समथिंग पे जो है वो वीडियो बनाया था। आज वो स्टॉक लगभग 1500 के आसपास गया और अभी करेक्शन करके 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और भी काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं जिन्होंने धमाके रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस इंडिया, तो वहां पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।